जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो आपको मिलेगी इस तरीके की अमेजिंग कार। पीछे का जो डिजाइन है वो काफी अलग है, दिखने में बिल्कुल एक रेसिंग कार वाला डिजाइन है। जो इस कार का डिजाइन है वो एक मड कार से थोड़ा सा रिलेट करता है। यहाँ पर आपको रबड़ की छोटी सी कैप दिख रही होगी, यहाँ से आप पानी डाल सकते हो। और जो पीछे टेल लाइट दिख रही है, जब आप इसको रिमोट से चलाओगे तो टेल लाइट से स्मोक निकलेगा और यहाँ पे कलर चेंजिंग लाइट दिखेगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब तक किसी भी कार में आपको इस तरीके का अमेजिंग कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा। इसके साथ में एक आता है 2.4 GHz का रिमोट, इसमें 2 AA बैटरी डाल के इसे यूज़ कर सकते हो। एक आता है USB चार्जर और आती है एक 6 वोल्ट की बैटरी। अभी कार के अंदर जो बैटरी डलती है वो यहाँ से डलती है, आपको यहाँ से स्क्रू ओपन करना है, नॉर्मल तरीके से मेल फीमेल वाला कनेक्टर होगा, इसके साथ कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। बैटरी हम इसमें डाल चुके हैं, उसके बाद डालेंगे हम इसकी बैक साइड से इसके अंदर पानी। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये ड्रॉपर कहाँ से आया, तो ये भी इसी बॉक्स में आता है। इस ड्रॉपर में इतना ही पानी आता है जितना इस कार को चाहिए, तो ये ड्रॉपर संभाल के रखना। इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे तो इसी के नीचे इसका सर्किट बोर्ड है, अगर उसके ऊपर पानी चला गया तो शॉर्ट हो सकती है और कार ख़राब भी हो सकती है। यहाँ से पानी डालने के बाद इसे कर देते हैं हम बंद। अब इसका एक छोटा सा डेमो देख लो, देखना कितने अमेजिंग तरीके से स्मोक छोड़ती है। तो ये था इसका एक स्मोक वाला फीचर। अब हम कार का एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं, देखते हैं कि कार किस तरीके से परफॉर्म करती है और कितना ज्यादा मजा आता है इस कार को चलाने में। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. जब भी कोई इस कार को चलते हुए देखेगा, इसके वो जो स्मोक वाले इफेक्ट्स हैं उनको देखेगा, तो भाई उसको मजा आ जाएगा। इस कार के अंदर 2.4 GHz का रिमोट आता है, उसके थ्रू आप बहुत ही स्मूथ तरीके से इस कार को 50 टू 60 फीट तक चला सकते हो। साथ में 6 वोल्ट की बैटरी आती है, तो आपको ये अच्छा बैटरी बैकअप देगी और स्पीड कार की बहुत बढ़िया मिलेगी। 2.5 आवर्स में आप इस कार की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन इस कार के अंदर आपको म्यूजिक म्यूट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर जो म्यूजिक है वो हमेशा एनेबल रहेगा, आप म्यूट नहीं कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इरिटेट करता है, बट इट्स ओके। जब ये म्यूजिक के साथ कार चलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है। जब आप इसमें पानी डाल के इस कार को उल्टा करोगे तो पानी लीक नहीं होगा, पानी कहीं से भी बाहर नहीं आएगा, ड्रॉप तक बाहर नहीं आएगी, जो सबसे बढ़िया चीज़ है। इसके थ्रू इतना समझ में आता है कि कार की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अमेजिंग रहेगी। अगर इसमें से पानी बाहर आता होता तो वो कार के बोर्ड पे जा सकता था और कार शॉर्ट सर्किट हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी A1 है, जब किसी चीज़ से टकराएगी या पलट जाएगी तो इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। ओवरऑल कार बहुत बढ़िया है, सबको पसंद आएगी, इनफैक्ट बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और जब ये स्मोक छोड़ती है तो इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो रिमोट के अंदर 2 बटन दिए हैं, ये दोनों एक्चुअली में बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ से सिर्फ स्मोक निकलेगा और इस वाले बटन से ये कार चलेगी भी सही और साथ में स्मोक भी छोड़ेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इनके दोनों फीचर्स को अलग अलग कर दिया, तो बच्चे इस कार को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। My name is Hitesh and you guys are watching Play Master. अगर आपको ऐसे ही यूनिक टॉयज के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।